देख पा रहे हैं यहाँ पर रोकने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, लगातार देख सकते हैं रोकने का प्रयास, देख सकते हैं पुलिस के साथ किस तरह से झड़प। जी हाँ, पुलिस से किस तरह से झड़प हो चुकी है, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जी हाँ, पुलिस के साथ किस तरह से झड़प हो चुकी है, मारने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर भी जो है हमला बोला जा रहा है। अपील आप सभी से रहेगी इस वीडियो को। जी हाँ, यहाँ से उठा लिया गया और यहाँ से उठाकर ले जाने का प्रयास जो है, ले जाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा, रोका जा रहा है पुलिस के साथ झड़प, पुलिस वालों के साथ कहीं ना कहीं झड़प होती हुई आप देख पा रहे हैं। अपील अपील आप सभी से रहेगी, देख सकते हैं पुलिस वालों के साथ झड़प जो है होती हुई नजर आ रही है। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। तमाम तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं शव को यहाँ से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं पॉइजन ले रखा था। अब कहीं ना कहीं पुलिस के साथ किस तरह से झड़प, यहाँ पुलिस वालों के साथ झड़प होती हुई नजर आ रही है। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। लड़की मर चुकी है। जी हाँ, लड़की मरने के बाद किस तरह से पुलिस के साथ झड़प। जी हाँ, पुलिस के साथ झड़प, पुलिस जो है डेड बॉडी यहाँ से ले जाने नहीं दे रही, डेड बॉडी क्योंकि पोस्टमार्टम होगा, पॉइजन खा रखी है। जी हाँ, पॉइजन खा रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं डेड बॉडी को गाड़ी में रख लिया गया है, डेड बॉडी को गाड़ी में रख लिया गया है। एसएचओ खुद देख सकते हैं गाड़ी को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, ऐसा किया जा रहा है, शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। पुलिस के साथ झड़प देख सकते हैं किस प्रकार से हो जाती है। जी हाँ, पुलिस के साथ झड़प किस प्रकार से हो चुकी है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रोकने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, लगातार देख सकते हैं रोकने का प्रयास, देख सकते हैं पुलिस के साथ किस तरह से झड़प। जी हाँ, पुलिस से किस तरह से झड़प हो चुकी है, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जी हाँ, पुलिस के साथ किस तरह से झड़प हो चुकी है, मारने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, पुलिस के ऊपर भी जो है हमला बोला जा रहा है। अपील आप सभी से रहेगी, इस वीडियो को तो ऐसा है जी। जी हाँ। ये आज मान दमकादी भी बेटे काम कर लग रहे, बरजाई भी करती है। ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11वीं में पढ़ती है। कितने बजे लेकर आए थे आप ये यहाँ पर? हम 12 बजे के करीब आए थे, 1 बजे उन्होंने पर्ची बनाई, लेकिन मैं सिस्टर भाई साहब करता रहा, उन्होंने कोई गौर नहीं करी। फिर पानी मांगती मर गई, कहते पानी पिलाओ पानी। मैंने पूछा, लड़ाई हुई थी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं तो बिल्कुल रेगे में काम करता हूँ। देख सकते हो चल के गई है, खुद चल के गई है, खुद आई है। आप सिटी कैमरा चेक कर लो। इन चीजों का पोस्टमार्टम करवा, इन चीजों को दूर करने के लिए जहर खाया क्या? हमें कोई नहीं खाया जी, कुछ नहीं है। उसकी मौत हुई, फिर हम इतने बच्ची का क्या करा के बेचती? अब काम के लिए बोल दिया उसको, रखने वाली दवाई खाई क्यों? मैं वो जो कुछ नहीं है, इतनी पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, लगानी है, भूखी दी है। गेहूं में रखने वाली दवाई चाहे मुंह पे लगाई हो, चक्कर भी आएंगे, उल्टियां भी आएंगी, तो उसमें खाली पेट था, कुछ भी नहीं था। फिलहाल आप देख पा रहे हैं इस गाड़ी में जो है डेड बॉडी रख ली गई थी। जी हाँ, HR 13E33-03। जी हाँ, उसके बाद इंस्पेक्टर रोशन लाल मौके पर पहुंचते हैं, गाड़ी की जो चाबी है वो रख ली जाती है। SHO रोशन लाल सिविल लाइन थाना से पहुंच जाते हैं, गाड़ी की चाबी कब्जे में ले ली जाती है। शव को इस गाड़ी में जबरन रख लिया जाता है। जी हाँ, जबरन इस गाड़ी के अंदर शव को रख लिया जाता है। इंस्पेक्टर जो रोशन लाल है वो मौके पर जरूर पहुंच चुके थे, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि पुलिस के साथ झड़प जरूर हो जाती है यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर जो जबरन जो शव है वो ले जाया जा रहा था, उसके बाद झड़प जरूर हो जाती है। रोशन लाल जी, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी सर आपको यहाँ पहुंचे थे? प्राप्त हुआ था भाई, ऐसे ऐसे को पॉइजन केस आया हुआ। हाँ जी, तो उधर आए थे जो परिवार वाले हैं, पुलिस के पास पोस्टमार्टम कराना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइजन खा रखा था ऐसा बता रखा है, सुनने में ऐसा ही आया पॉइजन खा रखा है। तो यहाँ से इन्होंने बाकी कानूनी कार्रवाई पूरी हो, तो पुलिस के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, शव को यहाँ से जबरन लेके जाया जा रहा था। इतना कानून का अभी इस बात के बारे में पता नहीं है जी, है तो इसी वजह से सोचते जाइए मैं बगैर जी मतलब पोस्टमार्टम होम में छूटे जाए। देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स को जरूर बुला लिया गया है, अब डेड बॉडी को जो है फिर से नीचे उतारा जा रहा है। जी हाँ, डेड बॉडी को फिर से नीचे उतारा जा रहा है, जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, परिवार द्वारा जबरन जो है डेड बॉडी गाड़ी के अंदर रख ली गई थी। जी हाँ, गाड़ी में अंदर रख ली गई थी, प्रीति जिसका नाम बताया जा रहा है, और पॉइजन लिया था। पॉइजन किस कारण से लिया था? माँ ने डांटा कि स्कूल जाने के लेकर देख सकते किस तरह से उसे इतना गुस्सा लग गया कि उसने
पॉइजन खा लिया। जी हाँ, उसने पॉइजन खा लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं परिवार खुद डेड बॉडी को यहाँ से ले जाता हुआ नजर आ रहा था। जबरन पुलिस के साथ झड़प की गई। जी हाँ, पुलिस के साथ काफी देर झड़प चलती रही, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ पर बुला ली गई थी। जी हाँ, पुलिस की फोर्स जो है वो यहाँ पर बुला ली गई थी। फिलहाल अब पुलिस द्वारा डेड बॉडी को जो है वो नीचे उतरवाती हुई गाड़ी में से नजर आ रही है। अपील आप सभी से करूँगा इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शायद रुक रहे, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, माँ का यहाँ पर रो रो कर जरूर बुरा हाल है। फिलहाल आप देख सकते हैं डेड बॉडी को जरूर वापस उतरवाया जा रहा है पुलिस द्वारा। जी हाँ, डेड बॉडी को जरूर उतरवाया जा रहा है वापस पुलिस द्वारा, ताकि जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जा सके। जी हाँ, पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा सके। जिस प्रकार से पुलिस के साथ झड़प हुई थी, गाड़ी में रख लिया गया था शव, फिर शव जो है वो नीचे उतरवा लिया गया। जी हाँ, नीचे उतरवा लिया गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, बताया जा रहा है माँ द्वारा ही डांटा गया था, जिसके बाद उसने जहर खा लिया था। जी हाँ, उसके बाद पॉइजन खा लिया था, उसकी हालात बिगड़ गए। उसके बाद परिवार ने जरूर यहाँ पर आरोप लगाए कि जो है इलाज जो है वो नहीं मिला, इलाज है वो नहीं मिला। फिलहाल अब शव को शव गृह में ले जाती हुई पुलिस नजर आ रही है। जी हाँ, पुलिस जो है वो अब डेड बॉडी को शव गृह में ले जाती हुई जरूर नजर आ रही है। अपील आप सभी से करूंगा इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। जो ये मरीज है, क्या कर रहा मनीष, इसकी मम्मी ने इसको पढ़ाई की वजह से धमका दिया तो इसने पॉइजन खा लिया। ये मैटर सर अब कहाँ लेके जाए जा रहा है, इसको डेड हाउस में पोस्टमार्टम कराना जरूरी। सर पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई क्यों हुई इन लोग की? चलो ऐसा है, ये उसमें नहीं थे, उससे मांगे कोई बात नहीं, समझ गेहूं में रखने वाले। क्या मामला था जो ये पॉइजन वाला मामला था? एक प्रीति नाम के पेशेंट हमारे पास आज लेके आए थे ग्रोंडा, प्रेमनगर से बता रहे थे वो, तो उसका एग्जामिनेशन करने पे हमारे को ये बताया गया कि इसने कोई जहरीला पदार्थ खुद से घर पे खा लिया है। तो उसका MLC केस बना के हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस द्वारा इसका रुका भी प्राप्त कर लिया गया और इलाज इसका यहाँ पे एमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर रहे थे। इसका जो भी प्रोटोकॉल के तहत इलाज बनता है वो भी इलाज इसको दिया गया है, और ट्रीटमेंट के दौरान सडन कलैप्स होने से पेशेंट की इसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी भी सूचना पुलिस को तुरंत प्रभाव से दे दी गई। तो अभी पेशेंट जो डेड बॉडी है वो पुलिस के हमने हैंडओवर कर दी है, और जो भी उसके डॉक्यूमेंट है वो भी पुलिस को आने। तो परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलाज नहीं मिला, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसको पूरा इलाज दिया गया है। जो भी इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पॉइजनिंग के केसों में फॉलो करना चाहिए वो सारा किया गया है। अब ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को अगर हम तुरंत ये कहें भी बड़े हॉस्पिटल में भेज दें, तब भी पेशेंट की ये हमेशा कंप्लेंट रहती है हमारे को रेफ़र कर दिया, तो इसीलिए पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, ताकि वहाँ भी उसको रास्ते में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सर बॉडी अब परिवार के सौंप दी है? बॉडी हमने पुलिस वालों को सौंप दी है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर। तो यहाँ हल्ला भी किया गया था अंदर इमरजेंसी में? थोड़ा बहुत परिजनों में रोष तो था, पर हमने पुलिस को बताया है किसी प्रकार का कोई उनके द्वारा वो तो होता ही है जब किसी के परिवार का कोई जाता है। पुलिस फोर्स देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं शव के साथ साथ शव को फिलहाल मोर्चरी हाउस में जरूर ले जाया जा रहा है। जी हाँ, शव को मोर्चरी हाउस में जरूर ले जाया जा रहा है। पुलिस के साथ झड़प होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भारी पुलिस बल जरूर बुला लिया जाता है। जी हाँ, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर पहुँच जाती हैं। जी हाँ, फिलहाल जो मामला है वो पॉइजन से जुड़ा हुआ था, इलाज दौरान उस लड़की की मौत हो गई, परिवार में रोष था, परिवार का कहना था कि इलाज नहीं मिला। इलाज का कहना यही है, जो हमारा प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल से आप चेक कर सकते हैं कि इलाज यहां पर मिला है या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें, परिवार के सभी लोग जो डेड बॉडी है फिलहाल शव गृह में ज़रूर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मर्चरी हाउस के पास से आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कारण क्या रहे वो देखा जाएगा। फिलहाल पुलिस के साथ झड़प भी देखी गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो पोस्टमार्टम है वो होना चाहिए, कारण सामने आना चाहिए, लड़की ने क्यों पॉइजन खाया। आप तमाम तस्वीरों में देख पा रहे हैं भारी पुलिस बल। अपील आप सभी से रहेगी इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। करनाल के ट्रामा सेंटर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जो सूचना प्राप्त हुई थी, कोई 14-15 वर्षीय लड़की है, उसने जहरीला पदार्थ खाने से वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाई गई थी, जिनकी डेथ हो गई है।
जो परिजनों का नमन था कि उनको दो घंटे तक ट्रीटमेंट में नहीं दिया गया, जो उसी संबंध में परिवार से बात करने के लिए और आगे जानकारी के लिए। तो अगर लापरवाही हुई है किसी डॉक्टर लेवल पर तो कार्रवाई होगी जिस पे? वो अभी परिवार क्या कहता है भाई, ये लड़की का फिर उसके बाद जबरदस्ती पुलिस से धक्का मुक्की करके डेड बॉडी ले